बीसीसीएल एरिया 5 मोदी डी कोल्डम बंदी करने की घोषणा करने वाले जनता मजदूर संघ नेता पर बाइक सवार ने की फायरिंग। बाल बाल बचे, एरिया 5 के कोलवरियों में वर्चस्व को फायरिंग, कभी भी हो सकती है टकराव। धनबाद जिले के बीसीसीएल एरिया 5 अंतर्गत मोदीडी कनकनी वासुदेवपुर तेतुलमुड़ी कोलवरी में एक बार फिर वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष, टकराव होने की आशंका है। बीसीसीएल एरिया 5 के कोलवरियों में राम रहीम संस्था और जेएमएम नेता हरिंद्र चौहान का दबदबा होने की बात कही जा रही है। इन लोगों ने कोलवरी में वर्चस्व बनाए हुए हैं। गुरुवार की रात जनता श्रमिक संघ के मोदीडी कोलवरी क्षेत्रीय सचिव विशाल वर्णवाल पर लोयाबाद हटिया के समीप बाइक सवार अपराधियों ने कोलवरी में बंदी और हस्तक्षेप नहीं करने की धमकी देते हुए फायरिंग कर दिया। घटना में विशाल वर्णवाल बाल बाल बच गए, बाइक सवार फायरिंग कर फरार हो गए। घटना के बाद जनता श्रमिक संघ के समर्थक लोयाबाद थाना पहुंच गए, आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की, लेकिन शिकायत भुक्तभोगी ने दी। वहीं इस घटना से जनता श्रमिक संघ के लोगों में गुस्सा है। जनता श्रमिक संघ के समर्थकों ने कहा कि उनके नेता पर गोली चलाने वाले अपराधियों को पुलिस जल्द पकड़े। 26 जून को मोदीडी कोलवरी को बंद करने की घोषणा किए जाने को लेकर जान मारने का प्रयास अपराधियों द्वारा किया गया है। भुक्तभोगी जनता श्रमिक संघ नेता ने कहा कि 26 जून को मोदीडी कोलवरी को बंद करने की घोषणा लोगों ने की है। गुरुवार की रात्रि अपने आवास के 500 गज की दूरी पंचायत भवन के समीप अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था और वहां से अपने समर्थक के घर अंबेडकर एकेडमी के समीप जा रहा था। इसी बीच हटिया मैदान में पीछा करते हुए बिना नंबर प्लेट के पल्सर बाइक सवार दो युवक हेलमेट पहने हुए पहुंचे और उनको रोका। अचानक गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम बहुत बड़ा नेता बनते हो, मोदीडी कोलवरी में नेतागिरी का काम रोकते हो, तुमको नहीं मालूम है कि वहाँ किसका काम चलता है, तुम सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारा नेतागिरी भुला देंगे, यह कहते हुए फायरिंग कर दी। यह घटना में बाल बाल बच गए। कोलवरी में राम रहीम और हरेंद्र चौहान का बोलबाला है, लेकिन घटना से डरेंगे नहीं, पुलिस दोषियों पर कार्रवाई करे। अगर मेरे श्रमिक संघ के कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर किसी तरह का प्रिय घटना घटता है तो इसका जिम्मेवारी आज यहाँ का थाना होगा, इसलिए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। अभी जिस तरह से उनको बोला जा रहा है तो उसको अरेस्टिंग किया जाए कि कौन आदमी है, जिस तरह से हमारे आज श्रमिक संघ का विशाल वर्मा के साथ किया, कल हमको उसके साथ करेगा, तो मैं इसके बर्दाश्त नहीं करने जा रहा हूं। यहाँ पे जो आज जिस तरह से हमको अपना श्रमिक संघ का जो आज है हमारा कार्यकर्ता जो है विशाल वर्माल, उसको धमकाया गया है, उसके लिए बोलना चाहता हूं। आज जो 26 तारीख का बंदी के बारे में अपना स्टेटमेंट दे रहा था कि हम लोग 26 तारीख को ही हम लोग बंद कराने जा रहे हैं। कौन 26 तारीख? ये 26/6 उस लोग को बताना चाह रहा हूँ कि अपना मंसूबा को वो लोग अपना नाकाम कर ले, नहीं तो याद दिला दे रहे कि अगर हमारा कोई भी जनता श्रमिक संघ के आदमी को चमकाने का काम करेगा तो मैं उसको ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं पीछे हटने नहीं जा रहा हूँ। लोयाबाद 5 नंबर में राहुल पासवान को घर छोड़ने जा रहे थे, मेरे साथ दीपक शर्मा था, लोग दो को एक को बाइक में था, हमें कर लेते हैं, वो लोग आगे चल रहा था। जैसे हटिया पास पहुंचे तो एक काला रंग का पल्सर में नंबर प्लेट, दोनों हेलमेट पहने हुए था, नंबर प्लेट में सादा कागज साटा हुआ था। वो लोग रोक के हमको बोला कि तुम मोदीडी कनकनी में ढेर नेतागिरी करता है, बंदी करवाने वाला डंप हो गया है, तो जानते ना लोयाबाद का दबंग का काम चलता है, लोयाबाद का दूगो दबंग नेता है, उसका कितना पैरवी पहुँच है, बॉडीगार्ड लेके चलता है, चर्चर गाड़ी लेके चलता है, और तुमको कहाँ मरवा देगा ना, फैमिली को तेरा गायब कर देगा, पता नहीं चलेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि 2021 में भी डम में बाजेपुर में डम में मजदूर के लिए आंदोलन किए थे, तो वहाँ राम रहीम से मेरा सामना सामने हुआ था, बात भी हुआ था, तो वो लोग उस समय भी हमसे पूरा मैंने 23 में आया था, लेकिन वहाँ पर फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मोदीडी में बंदी कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले मेरा एक आदमी का डीओ भी लगा था, तो उसमें लोग रंगदारी ले लिया था, बोला कि किसी का चले हम नहीं चलने देंगे। तो वहाँ का मजदूर हम यूनियन का राजनीति करते, इसलिए वहाँ का मोदीडी का मजदूर लोग आया, तो हम लोग अगला महीना धरना दिए थे, तो उसके बाद धरना का कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद हम लोग 26 तारीख को बंदी करने वाले थे, तो उसी बंदी में वो लोग हमको धमकी देने के लिए, धमकी देकर डराने के लिए लोग भेजा, और लोग फायरिंग भी किया, भागते हुए ये लोग दौड़ा तो फायरिंग किया, हम गिर गए तो बच गए। ये लोग हमको कभी भी जान मार सकता है, इन लोग का फैमिली, मेरा फैमिली को, मेरा दोस्त लोग को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार राम रहीम होगा। 10 बजे का कहाँ पर घटना हुई? लोयाबाद हटिया का। आप कौन पार्टी से? हम जनता श्रमिक संघ क्षेत्रीय सचिव सिजवा क्षेत्र। तो आपको क्या लग रहा है? लग रहा है वो लोग सीधा बोला कि दो लोयाबाद का दो को दबंग नेता, तो दो को दबंग नेता भी कौन है? राम रहीम और हरिंदर चौहान, और कौन यहाँ का दबंग नेता? मोदीडी में किसका डम में चल रहा? अभी और पार्टी भी आंदोलन किया था,
तो उसमें इन लोग का गोली उली बम चला था बांसडोला में, इन लोग पे एफ आई आर दोनों पार्टी लड़े थे, तो हम लोग भी उसमें आंदोलन किए थे। तो इन लोग अभी पूरा एरिया 5 का टेंडर ले लिया, बासदेवपुर कनकनी मोदी डी कोई भी बंदी करता है कोई पार्टी के लोग बम गोली चलवा देते हैं। ये लोग बोल अरे लोग मेंशन में हमेशा मदद भी मांगने जाते हैं, ढुल्लू मातों के डर से ही लोग हमेशा मेंशन गए, अब मेंशन भी जाएंगे मदद भी मांगेंगे, हम ही लोग पाक भी दिखाएंगे। हम कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं, इसीलिए लोग हमको टारगेट में लेकर आज की आगे यही करेंगे, थाना प्रभारी को बोलेंगे कि कानूनी कार्रवाई करें, नहीं होता तो आगे क्या नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे जो नियम कानून से, हम लोग ये सब दबंग तो है नहीं। ये मामला तेतुलमुड़ी कॉल डैम से जुड़ा हुआ? हाँ, उसी से जुड़ा हुआ है। वो लोग बोलता है कि हर जगह तुम हम लोग को डिस्टर्ब कर देता है, मुरीडी कनकनी बाजेपुर सब जगह हम लोग का काम चलता है।